तो दोस्तों आप लोगों में से कई सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन लोगों की मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव खराब हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें दोबारा रिपेयर कर सकें। और क्या वो वास्तव में रिपेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या आपको यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर आप परेशान हो चुके हैं कि कैसे हम अपने मेमोरी कार्ड को रिपेयर कर सके, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आज आपको मेमोरी कार्ड रिपेयरिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी कार्ड खराब कैसे होता है, तो उससे पहले जानेंगे इसे रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस मेमोरी कार्ड का खराब कैसे होता है। मेमोरी कार्ड का खराब होने की कुछ 4-5 वजह होती है, जिसमें सबसे पहली वजह होती है वो होती है इंसर्ट करना। आप किसी मेमोरी कार्ड को किसी फ़ोन में इंसर्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके जरिए भी मेमोरी कार्ड खराब हो सकता है क्योंकि इंसर्ट करते टाइम आपकी जो मेमोरी कार्ड की पिंस होती हैं वो इधर उधर हो सकती हैं, या फिर डिवाइस का जो मेमोरी एक्सेप्टर सॉफ्टवेयर होता है वो खराब हो सकता है। दूसरी वजह, तीसरी वजह होती है मॉइस्चर यानी कि नमी। आपके जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ नमी कितनी, या फिर कार्बन आ जाता है आपकी प्लेटों पर, मेमोरी कार्ड की प्लेटों पर। ये तीसरा कारण होता है मेमोरी कार्ड खराब होने का। चौथा कारण होता है मेमोरी कार्ड टूट जाना या फिर ब्रेक हो जाना। आप देख लेना अपने मेमोरी कार्ड को हाथ में लेकर, कहीं आपके मेमोरी कार्ड पर लाइन्स वगैरह तो नहीं है एक्स्ट्रा जिससे आपका मेमोरी कार्ड खराब हो गया या फिर टूट गया। वो पाँचवा कारण हो सकता है कि आपका मेमोरी कार्ड पानी में गिर जाना। पानी में गिर जाने से भी मेमोरी कार्ड कभी कभी खराब हो जाता है। बेसिकली ऐसा कम होता है लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि विदाउट पीसी के हम मेमोरी कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, विदाउट पीसी के मेमोरी कार्ड रिपेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विदाउट पीसी के मेमोरी कार्ड, कई मेमोरी कार्ड ऐसे होते हैं जो विदाउट पीसी के रिपेयर नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों में से कई सारे यूजर्स ऐसे हों उनका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा है। अगर वो किसी तरीके से अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर लेते हैं तो उनका मेमोरी कार्ड सही हो जाता है, वो उनका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं होता है। फॉर्मेट करने की मैं 3-4 बजे आपको बता देता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए आपका एक फ़ोन से फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो आप कीपैड फ़ोन में डाल के देखिए, कोई कीपैड फ़ोन में डाल के देखिए, उससे फॉर्मेट हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार, आप कोई दूसरा फ़ोन ले लीजिए कीपैड वाला, उसमें डाल के देखिए, उससे फॉर्मेट होता है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो पीसी से फॉर्मेट कर लीजिए। अगर पीसी से फॉर्मेट हो गया तो अगर तो फिर आपका मेमोरी कार्ड दोबारा से रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जो उसमें डेटा रहेगा आप उसे उसका पहले से ही बैकअप बना लीजिए, नहीं तो वो भी लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि वायरस के कारण ही होता है मेमोरी कार्ड ख़राब। दूसरी तरीका है रिपेयर करने का, वो होता है आप पहले अपने मेमोरी कार्ड को हाथ में देखिए, पकड़ के देखिए कहीं उस पर क्रैक या फिर स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप उसकी जो प्लेट्स होती है उस पर स्क्रैच कर दीजिए, क्योंकि ड्यू टू कार्बन के कारण यानी कार्बन के कारण कार्बन जमा हो जाता है उन पट्टियों पर। अगर आप उन कार्बन को हटा देते हैं तो कभी कभी इंसर्ट करने पर भी मेमोरी कार्ड चलने लगता है। तो ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण से आप पीसी से रिपेयर कर सकते हैं। पीसी से आप अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर लीजिए, कुछ कमांड वगैरह डालना पड़ती है। आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं पीसी पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और ये कुछ कारण थे और दो तरीके थे जिसके जरिए आप अपने मेमोरी कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने मेमोरी कार्ड को थोड़ा हीट प्रोवाइड करें। मीन्स दैट कि आप अपने मेमोरी कार्ड को कोई थोड़ा हीट या गर्म कर लेंगे और उसकी पिंस को घिस कर आप किसी भी मोबाइल में इंसर्ट करेंगे या कंप्यूटर पर, तो शायद वो चल सकता है। ये कुछ तरीके थे जिनके जरिए मोबाइल ठीक हो सकता है, मेमोरी कार्ड ठीक हो सकता है। और ये कुछ तरीके भी थे जिनके कारण मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है। तो इससे भी आपका अगर मेमोरी कार्ड ठीक नहीं होता है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं एक और वीडियो लाऊंगा पीसी पर बनाने के लिए। और मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका मेमोरी कार्ड अभी ख़राब हो गया है। और मैं ये बता देता हूँ, इनमें से 50% से ज़्यादा लोगों का मेमोरी कार्ड सही नहीं होगा क्योंकि उनमें बहुत ही दिक्कत आ जाती है। क्योंकि किसी का मेमोरी कार्ड जीरो रहता है, मतलब उसमें कोई डेटा नहीं होता है, जी बिल्कुल खाली मेमोरी कार्ड भी खराब हो जाता है, ये एक कारण भी हो सकता है। तो यही था पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही रोजाना वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।